नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स। ये किचन टिप्स आपको बहुत ही काम आने वाला है और इससे पैसा भी बचेगा और सामान भी सुरक्षित रहेगा। तो इस किचन टिप्स को मैंने इस तरीके से बनाया है। देखिए, यहाँ पर हमारा ये चीनी का डिब्बा है जिसमें हम चीनी रखते हैं। तो जिस बारिश का मौसम है तो चीनी बस सीजने लगता है और पूरे डिब्बे और चम्मच में ये चिपक जाता है। तो उसके लिए देखिए, हम ये चावल लिए हैं और ऐसे एक पेपर में ऐसे हम इसकी पोटली बना करके डिब्बे में रख देंगे और इसको अच्छे से मोड़ना है, नहीं तो पूरे चीनी में हमारा ये चावल फैल जाएगा। तो इसको हम डिब्बे में रख देंगे। इससे क्या होगा, जब हम चीनी रखेंगे तो उसमें सड़न नहीं होगा और उस चीनी हमारी हमेशा फ्रेश रहेगी। तो आई होप आप सबको ये किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल लगेगा। तो हमारा सेकंड टिप्स है, ये है हमारा राजमा। राजमा लेकर आते हैं हम तो फौरन तो सभी सारे राजमा एक साथ तो बना नहीं लेते हैं, तो हमारे जो जो बच जाते हैं उसको हम काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं। 1 से 2 ईयर तक इसको रखे रहिए तो ये ख़राब नहीं होगा। तो बिना पैसे का ये किचन टिप्स है। तो यहाँ पर हम लिए हैं ये पेप्सी का ये डिब्बा है, तो इसी में हम ऐसे रख देंगे। इसमें रखने से आपके राजमा 2 से 3 ईयर तक ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से मैंने इसको काफ़ी दिन तक स्टोर किया है, आप भी करिएगा, आपको बहुत ही यूजफुल ये नुस्खा लगेगा। तो देखिए, इसको हमने स्टोर कर दिया, अब इसको हम रख देते हैं साइड में और अब चलते हैं हम अगले किचन टिप्स की ओर। तो अगला किचन टिप्स है हमारा, यहाँ पर लिए हैं हम ये काबुली चना है, व्हाइट चना जिसे कहते हैं। तो व्हाइट है या ब्लैक है, कोई भी चना है, तो कीड़े उसमें पड़ जाते हैं बारिश के मौसम में, तो और भी ये बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने वही टिप्स अपनाया है, मैं इसी तरह तरह से रखती हूँ और मैं किचन टिप्स फॉलो करती हूँ। मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है और बिना पैसे का ये भी किचन टिप्स है, इसमें कोई खर्च नहीं है। ये डिब्बे तो हर किसी के घर मौजूद होता है और ठंडा पीने के बाद हम लोग इसको फेंक देते हैं, तो उसका बहुत ही यूजफुल ये टिप्स है। तो आई होप आप सबको ये किचन टिप्स भी बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में लिखकर बताइएगा। और ये हमारा अगला किचन टिप्स है, ये हमारा आटा। जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम आटा लगाते हैं, तो एक ही साथ पूरे आटे लगा लेते हैं और मेरी रोटियां वैसे के वैसे ही बनती हैं जैसे ताज़ा आटा लगा कर रोटी बनाई जाती है। तो उसके लिए देखिए, हमने ये पैकेट लिया है रिफाइन का, तो हम लोग इस जब रिफाइन यूज कर लेते हैं तो पैकेट फेंक देते हैं। तो मैं इसे जब इसे रखती हूँ और इसी में ये आटा जब भी मैं सुबह तैयार करती हूँ तो इसी में बाकी का आटा रख देती हूँ, और जब भी हमें रोटी बनानी होती है तो इस आटे से बनाती हूँ। तो ये आटा बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल ताज़ा फ्रेश आटा से रोटी हम बना रहे हैं और इसमें फुफरी नहीं बनता है। तो आई होप आप सबको ये किचन टिप्स भी अच्छा लगा होगा, आप भी यूज करिएगा, ये बहुत ही आसान किचन टिप्स है। तो हमारा अगला किचन टिप्स है चावल। हम चावल जब बनाते हैं तो हम जब संडे आता है तो एक हफ्ते में एक ही दिन हम चावल साफ करके रख लेते हैं, तो बारिश का मौसम है तो उसमें कीड़े बहुत जल्द पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ टिप्स अपनाया है जिससे चावल में कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे और एक इसे काफ़ी दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने अपनाया है, यहाँ पर तो करी पत्ता हर किसी के किचन में मौजूद होता है, तो हमारे भी किचन में है और मैं इस करी पत्ता को इसी चावल में मैं ऐसे जब डिब्बे में चावल रखना होता है तो नीचे ऐसे रख देती हूँ 2-1 पत्ता, और उसके बाद में उसमें जब चावल रखती हूँ, और ये नहीं एक बस केवल नीचे रखने से ही नहीं होगा, इसको ऊपर से भी रखना पड़ता है। तो इस तरह से इसमें ऐसे दबा कर रख देते हैं और ये चावल आप 1 महीने तक स्टोर करिए तो इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और इसको और भी ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारा अगला किचन टिप्स है, ये हमारा मैक्रोनी का या कोई भी पैकेट होता है तो हम एक ही साथ तो पूरे ख़त्म नहीं कर लेते हैं, कुछ तो बच ही जाते हैं। तो इसको हम अगर ऐसे रख देते हैं तो इसमें सड़न हो जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या अपनाया है, हम लिए हैं
एक पेपर पे ऐसे इसको रख दिए हैं और ऊपर से भी ऐसे पेपर रख दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से प्रेस को हिट कर लिए हैं और इसको ऐसे पैक कर देंगे। तो आई होप आप सबको ये किचन टिप्स भी बहुत अच्छा लगा होगा। ये है हमारा बेसन। बेसन जब हम छानते हैं तो उसमें इस तरह की रोड़े रोड़े होते हैं और जल्दी ये छनते नहीं हैं। तो उसके लिए हमने बहुत ही आसान टिप्स अपनाया है, जिससे बेसन छनने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत आसानी से छन जाएगा। तो हम लिए हैं ये सिक्का। सिक्का इसको धुल करके अच्छे से सुखवा लिए हैं, कपड़े से पोंछ लिए हैं, क्योंकि ये सभी के घर में सिक्के होते हैं और पता नहीं किस किस हाथ में ये सिक्का जाता है, तो इसलिए इसको धुल लेना है साफ से। तो इसको धुलने के बाद इसको पोंछ के ऐसे इस तरीके से जब हम ऐसे छानेंगे ये बेसन या आटा कुछ भी, तो हमारा ये अच्छे से छन जाएगा, क्योंकि ये वजन ज़्यादा होता है। तो ये ऐसे अच्छे से देखिए हमारा बेसन छन जाता है। तो आई होप आप सबको ये किचन टिप्स अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।